तक ये फैसला हमारे हक में ना आ जाए, अगर इसके लिए हमें साल भर भी यहाँ रहना पड़े तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम साल भर भी यहाँ रहेंगे। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये हमारे हमारे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। ऐसा कहीं नहीं होता कि पुराने पुरखों के कागजात मांगे जा रहे हैं। पहला दिन हमने यहाँ साइलेंट प्रोटेस्ट किया था, हमारा मकसद ये था कि हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हमारी ज़िद ये थी कि बस हमारा NRC और CAA कानून ये सब कैंसिल हो जाए। इसलिए हम लोगों ने मुंह पे पट्टी बांध करके बैठे हुए थे कि हमें कोई किसी से बात ही नहीं करना है। लेकिन 500-500 जो लोग कह रहे हैं ना, वो अपनी अपनी बीवियों को भेजो अपने अपने घर से, अपनी बहनों को, अपनी माँ को भेजो, हम 5,000 देने को तैयार हैं, वो यहाँ भेजें। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन के मायने मालूम है क्या? आईन दस्तूर जो पास हुआ है किसके लिए पास हुआ है? जमहूरियत, अवाम की, अवाम के लिए, अवाम की हुकूमत। जब अवाम के साथ अब इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, NRC ला रहे और बोल रहे कि हम उसके बारे में नहीं कुछ करेंगे, नहीं कुछ देंगे, तो फिर क्या है इसका मतलब, क्या है? है ना, अवाम की हुकूमत, अवाम से आप सब चीज़ मांग रहे हो, जबकि आप ID ले चुके हो, हमारा वोट ले चुके हो, और उसके बाद बोल रहे हो कि आप अपना नए पेपर वगैरह बताओ। ये किस बात पे कर रहे हो आप? आप बोल रहे हो कि आधार कार्ड हमारा जो है सही है, उस पर आपने बोले थे, लेकिन अब इसके बाद आप नया कानून ला रहे हो, तो ये नया कानून, एक पे एक कानून ला रहे हो, लेकिन आप ना तो इकोनॉमिक्स पे बात करते हो, ना जॉब पे बात करते हो, ना डेवलपमेंट के बात करते हो आप। अब बात करते हो या तो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों ने जो हम पर जो जुल्म करके गए, उनके रूल आप अपना रहे हो, उनके रूल अपना रहे हो आप। हाँ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम इंसाफ के लिए बैठे कि जो NRC और CAA जो है वो क्या है, वापस लें आप। हाँ, जो भी हमारे जितने भी लोग हैं, ये इसलिए यहाँ पर ये धरना क्यों दे रहे? बेचारी जो माँ बहनें अपने बच्चों को लेकर आ रही है अपने साथ में, हाँ, क्यों लेकर आ रही है? अपने हक के लिए, ये हक की लड़ाई है हमारे, और इंशाल्लाह हमारे हक का अपना हक लेकर ही रहेंगे। आप जिस तरह हमसे हक मांग रहे हो ना कि अपने बताओ कि हम यहाँ के रिहायशी है क्या, लेकिन हम भी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह क्या है, हम ये जीत कर ही रहेंगे।